दोस्तों, क्या आपके इंस्टाग्राम में रील या फिर पोस्ट डिलीट हो गए हैं? अगर आपके इंस्टाग्राम से सारे रील या फिर सारे पोस्ट डिलीट हो गए हैं और आप उसे वापस लाना चाहते हैं, तो फिर आज की इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपनी फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे सीखेंगे कि अगर इंस्टाग्राम से रील या फिर कोई पोस्ट डिलीट हो जाए तो उसे कैसे वापस ला सकते हैं। बड़ा ही आसान है और सिंपल है। इसके लिए यहाँ से हम ओपन करते हैं इंस्टाग्राम को। और दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा लाइक, साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। यहाँ पे इस तरह से इंस्टाग्राम ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमारे ये पोस्ट है और कुछ रील है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और डिलीट कर देने के बाद इसे हम रिकवर करके आपको दिखाऊंगा। डिलीट करने के लिए यहाँ पे हम सिंपली क्लिक किए और यहाँ से इस तीन बिंदु पे क्लिक करके और यहाँ पे हम डिलीट पे क्लिक कर दिए, ये यहाँ से डिलीट हो गया। और यहाँ पे ये एक वीडियो है जैसे कि, और इस वीडियो को भी यहाँ से हम डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे डिलीट पे क्लिक की और यहाँ पे डिलीट कर दिए। इस तरह से यहाँ पे ये डिलीट हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे अब ये डिलीट हो गया। अब दोस्तों, इसे कैसे आपको रिकवर करना होगा, इसके लिए आप आ जाइएगा यहाँ से बैक, और इंस्टाग्राम की अब आप होम पेज में है यहाँ पे, और यहाँ पे अपने प्रोफाइल वाले आइकॉन पे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको तीन लाइन दिखलाई देगा, यहाँ पे आप इस तीन लाइन पे क्लिक कीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा योर एक्टिविटी का, तो योर एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रिसेंटली डिलीट यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे मैं जो अभी पोस्ट को डिलीट किया हूँ वो यहाँ पे पोस्ट है, और यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो मैं रील को डिलीट किया हूँ वो यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जो भी डिलीट करते हैं 30 डेज तक यहाँ पे रहता है, और 30 डेज के बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप कोई स्टोरी को डिलीट करते हैं तो वो भी यहाँ पे 24 आवर तक रहता है। तो यहाँ से आप इसे चाहें तो रिकवर कर सकते हैं। रिकवर करने के लिए सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और इसके बाद यहाँ इस तीन बिंदु पे देखिए यहाँ पे री स्टोर का एक ऑप्शन मिल जाता है, री स्टोर पे हम क्लिक किए, देन यहाँ पे क्लिक किए री स्टोर। तो फ्रेंड्स, ये पोस्ट जहाँ से डिलीट हुआ था वहीं पे यहाँ ये चला जाता है। अब इसी तरह से यहाँ पे आते हैं रील में, और यहाँ पे इस रील पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे रील को रिकवर करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और इसके बाद फिर से हम री स्टोर, देन यहाँ पे हम री स्टोर पे क्लिक कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ से क्या हुआ कि अब जो भी मेरा रील था और जहाँ से डिलीट हुआ था वो एकदम से वहाँ पे चला जाएगा। तो इसके लिए यहाँ से इसे हम काट देते हैं सीधे, और काट देने के बाद एक बार इसे हम रिफ्रेश यहाँ से कर देते हैं, और इसके बाद फिर से हम ओपन करते हैं इंस्टाग्राम को। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, और देखिए जो अभी इन दोनों पोस्ट को मैं डिलीट किया था यहाँ पे इस रील को, तो यहाँ पे ये रील भी आ गया, और इसी तरह से यहाँ पे ये पोस्ट भी आ गया। तो इंस्टाग्राम में अगर आपका भी कोई पोस्ट या फिर कोई रील डिलीट हो गया, इस तरह से आप उसे रिकवर कर सकते हैं।